अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं मरियम परवेज़ की रेसिपी से डिलीशियस केक। तो बिना किसी देर के रेसिपी स्टार्ट करते हैं, और मेरे पास टाइटल कोई था नहीं तो फिर मैंने ये पिक्चर लगा के पीछे वॉइस ओवर कर लिया है। तो चलें चलते अपनी रेसिपी की तरफ। नहीं तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ डिलीशियस केक। किसके लिए? सारे मैंने स्पंज के लिए इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। 2 अंडे लिए हैं और 1/4 कप मैदा लिया है, 1/4 कप ऑयल लिया और 1/2 कप शुगर लिया, और ये वनीला एसेंस है, साथ ही बीटर पड़ा है, ये बाउल है। ये अंडे मैंने डाल लिए हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1/2 कप शुगर, ठीक है, और अब मैं इसको लो स्पीड पे बीट करूंगी। अब मैं इसके अंदर डालूंगी वनीला एसेंस और गिव इट अ गुड मिक्स। एंड नाउ आई एम एडिंग द मैदा। ये मैंने मैदा लिया है और साथ बेकिंग पाउडर है। इसको मैं अब छान के डाल देती हूँ, नजला हुआ हुआ, सो इग्नोर माई वॉइस। चले अब मैं इसको छान के डाल। ऐसा क्रीमी सा मिक्सचर तैयार हो गया। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी 1/4 कप ऑयल, सही है, ये ऑयल मैंने डाला, और मैं अब इसको मिक्स कर दूंगी। मैं इसके अंदर डाल दूंगी वनीला एसेंस, ये वाला वनीला एसेंस मैं कल ही लेके आई हूँ। मैदा मैंने डाल लिया है, अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर देती हूँ। पहले लाइटली सा करूँगी, तो पहले चीनी किस वाले चीनी जब मैं कर रही थी ना, तो मेरे से बहुत बुरा हुआ था, मैंने मिक्स नहीं किया था पहले लाइटली सा, और वो सारी चीनी बाहर गिर गई थी थोड़ा। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, मैंने लाइटली सा सिरप मिक्स कर लिया कि मैदा गुम हो जाए। एंड द मिक्सचर रेडी। अब मैं इसको स्पैचुला से मिक्स कर लूंगी। मिक्सचर मेरा रेडी है। अब मैं इसको पैन में प्लेस कर लूँगी। पैन को मैंने नीचे बटर पेपर लगा के ग्रीस कर लिया हुआ है, और अब मैं इसको पतीले में रख दूँगी। उप्स, पहले मैं पतीले का ढक्कन उठा लेती हूँ। इसको मैं साइड पे रख के अब इसके अपने मिक्सचर को पतीले में आहिस्ता से रखती हूँ कि मेरा हाथ ना जले, क्योंकि मैं अक्सर जला लेती हूँ और फिर बाद में बहुत दर्द होता है मुझे। और अब मैंने ढक्कन दे दिया, और इसको मैं 30 से 35 मिनट्स तक बेक करूँगी, और इंशाल्लाह ये अच्छी तरह बेक हो जाएगा। दिखानी मैंने फ्रेम थी, पर पता नहीं कैमरा कहाँ घूम रहा था। अच्छा, अब मेरा केक रेडी हो चुका है। ये तकरीबन 30 मिनट बाद रेडी हो गया था। मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको बेक किया है, और मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा बेक हो गया। अब 5 मिनट या 2 मिनट पहले निकाल लें। बेसिकली मैंने मरियम परवेज़ की डिलीशियस केक की रेसिपी फॉलो की है। उनकी रेसिपी मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगी थी, तो अभी तक जो मैंने स्पंज तैयार किया वो तो बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप्स भी मैं वैसे वैसे ही बनाऊंगी। और अब ये मैं दूध को, मैंने 1 कप दूध लिया, इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून शुगर डाली है, और ये मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून इसमें क्रीम डाल रही हूँ, और इसे मैंने अच्छी तरह बीट की है, और ये वाला मिक्सचर रेडी हो गया। अब मैंने ये जो मिल्क का मिक्सचर तैयार किया, मैं इसको केक के अंदर अच्छी तरह पोर कर दूंगी,
और इस तरह ये तैयार हो जाएगा। और देखिए कितना मैस फैला हुआ है, आप केक बनाए और मैस ना फैला, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अब मैं ये सारा मिक्सचर डाल दूंगी इस तरह। मैंने धो लिया, मैं इसके ऊपर ऐसे ऐसे पोर करनी जरा डालूंगी। मिल्क का जो मैंने मिक्सचर बनाया था वो मैंने केक के अंदर सारा डाल दिया हुआ है। और अब मैंने वीपी विप क्रीम को मैंने सिंपल थोड़ी देर के लिए विप किया कि वो मतलब अच्छी तरह मैंने उसको बीट कर लिया। और ये तकरीबन मैंने हाफ कप बीट की है। अब मैं इसको केक के ऊपर लगा रही हूँ और केक को मैंने फुल कवर करना है क्रीम से। केक को मैंने फुल कवर करने के बाद इसके ऊपर मैंने कैरेमल सॉस लगा देनी है। वो मैंने बनाई थी मगर उसकी मैं वीडियो नहीं शूट कर सकी, मेरा ट्राईपोड दरअसल टूट गया था तो ये मैं हाथ में पकड़ के वीडियो बना रही तो मेरे से वीडियो प्रॉपर नहीं बनी। मगर मैं अभी आपको आगे जाके केक की फाइनल लुक ज़रूर दिखाती हूँ। तो ये केक की फाइनल लुक है, इसके ऊपर मैंने कैरेमल सॉस लगा दी थी और ऊपर ये कैंडी बिस्किट या आप कोई भी लोटस बिस्किट ले सकते हैं। और साथ मैंने एक चॉकलेट लगा दी है और ये रेडी है। अच्छा, इस केक के अंदर से कुछ लुक ऐसी मैं वीडियो नहीं बना पाई पर मैंने एक पिक्चर बना ली थी। और अगर इसके टेस्ट के बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छा सा सॉफ्ट सा मिल्क का जायका बहुत ज़्यादा आता है तो काफ़ी अच्छा टेस्ट था, मुझे तो बहुत मज़े का लगा। बाकी हर एक अपनी चॉइस होती है, कैरेमल का टेस्ट भी बहुत अच्छा था। आप लोग भी ज़रूर ये टेरेस लीचेस केक ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ही मिलेंगे। तब तक लिए अल्लाह हाफिज़।